हम इस वक्त टीडी कॉलेज के मनोरंजन हॉल के सामने हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो आपने सुना मिथिलेश जी के मुंह से, उन्होंने वास्तव में विवेकानंद जी के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। इस आयोजन में दूर दराज से आए लोग, सभी लोग यहाँ शामिल थे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता और संघ से जुड़े लोग, अब विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोग भी यहाँ मौजूद थे। आइए बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम के अवसर पर, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित है, उस कार्यक्रम में क्या रहा? जी, आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख आदरणीय मिथिलेश नारायण जी का बौद्धिक हम सबको सुनने को मिला और उन्होंने भारत कैसा होना चाहिए, विवेकानंद जी के मन में कौन सी कल्पना थी देश के युवाओं के प्रति और भारतीय संस्कृति परंपरा के प्रति, उन सारे विषयों को आदरणीय मिथिलेश जी ने रखा। बहुत ही अच्छा लगा उनका बौद्धिक और सुन के काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अभी कितनी देर तक उनका बौद्धिक चल रहा है? अभी 1 घंटे से उनका बौद्धिक चल रहा है और ये किसी भी विषय पे काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं और जब तक ये अपना बौद्धिक समाप्त नहीं करते, लोग वहाँ से हिलते भी नहीं, इतना अच्छा बौद्धिक उनका होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संजय मिश्रा जी को सुना कि आज का अवसर क्या था। मिथिलेश नारायण जी के बौद्धिक जो सुना, वो सही माने कि कोई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता था और नहीं छोड़ रहा है लोग, क्योंकि अभी भी उनका संबोधन चल रहा है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें। बलिया आजकल से मैं संजय सवाल, नमस्कार।